अब मैं गुजारिश करता हूँ आज के इवेंट में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ए वेरी गुड नाउ कम टू द मेन टॉपिक एज वी ऑल नो दैट स्वच्छ भारत अभियान इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड सिग्निफिकेंट मिशन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्वच्छ भारत अभियान इज ऑल्सो नोन एज क्लीन इंडिया मिशन इट वॉज लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ऑन 2nd of October 2014 इन न्यू दिल्ली एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ इट द कंसेप्ट ऑफ स्वच्छ भारत अभियान इज टू प्रोवाइड बेसिक्स लाइक टॉयलेट्स सॉयलेट एंड लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम विलेज मिशन इवन मोर इफेक्टिव मोदी जी चूज 9 पीपल एंड रिक्वेस्टेड देम यहाँ पर मौजूद सीनियर डिग्निटरीज ऑफिसर्स फैकल्टी मेंबर्स स्टूडेंट्स एनसीसी कैडेट्स हमारे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय और टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो भी एम्प्लॉयज़ हैं स्वच्छता का रोल स्वतंत्रता से भी ज़्यादा ज़रूरी है उन्होंने थ्रू आउट द इंडियन नेशनल मूवमेंट उन्होंने स्वच्छता पे बहुत ज़्यादा इम्फेसिस दिया और स्टूडेंट्स को कहीं भी कभी भी जैसे अगर गांधी जी के आश्रम में चाहे गुजरात में हो वर्धा में हो बेटर माइक्रो एनवायरनमेंट बना के सोसाइटी में एनवायरनमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं अब ट्रीज से क्या क्या बेनिफिट है स्टूडेंट्स सारे यहाँ पे मुझे लगता है कि वेल एजुकेटेड हैं उनको सारे पता है हम सबका है काम सुंदर भारत का हम सबका मिलकर करें निर्माण स्वच्छता सवेरा हमारा लक्ष्य धन्यवाद हवा रखो साफ वरना आने वाली पीढ़ी नहीं करेगी माफ हम सबका एक ही नारा होना चाहिए साफ सुथरा देश हमारा होना चाहिए दिल से हमने ये ठाना है अपने देश को स्वच्छ बनाना है भारत का सबसे बड़ा स्वच्छता मिशन बनिए स्वच्छ अभियान का हिस्सा कूड़ादान का उपयोग कर देश को साफ सुथरा में रखने में सहयोग कर ये विषय विशेष रूप से मैंने पूरे भारत में चारों ओर साफ सफाई के कारण चुना है जय हिंद जय भारत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया अब मैं जीएम भाट साहब से गुजारिश करता हूँ दो मिनट के लिए आए एंट्री इन ऑनर ऑफ फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी वी ऑल आर कमिटेड एज सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री टू ब्रिंग विजिबल क्लीनलेस अराउंड अस इन आवर हाउसेस इन आवर प्रेमिसेस एट रिलीजियस प्लेसेस टूरिस्ट प्लेसेस and everywhere where we live today this event is a mark of the same thing we are committed gandhi ji ki janti ke avsar par har saal 2014 se hum swachhta ke upar kaam kar rahe hain ye hafta 10 din ka program hota hai aur isme tarah tarah ke vibhinn karyakram jo hote hain ayojit kiye jate hain to isme main mudda jo hai wo hai safai ke upar hai kyunki safai jo hai ek bahut bada ek issue bana hua hai hamari country mein क्योंकि जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं तो फैलाने वाला कौन है वो भी इंसान है और उठाने वाला भी आज हम खुद ही अपनी सफाई और खुद कर रहे हैं तो मेरा मानना यह है कि क्यों ना एक ऐसा किया जाए कि हम अपने अंदर एक चेंज लाएं जिससे कि गंदगी ना फैले मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से एक जो स्वच्छ भारत का अभियान पूरे देश के अंदर चलाया जा रहा है तो इसमें जितना हो सके बढ़ चढ़ के हिस्सा लें तो हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि सबसे पहले हम जो हमारा अपना घर है उसको साफ रखें घर के आस पड़ोस में साफ रखें जब हम सब अपना आस पड़ोस साफ रखेंगे तो ऑटोमेटिकली उससे अपना मोहल्ला उसके बाद के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हम पिछले स्वच्छता पखवाड़ा जो हम मना रहे थे तो आज उसका कल्मिनेशन है मैं यहाँ दोनों आईटीआई के जो स्टाफ है प्रिंसिपल्स हैं और बच्चे हैं इनको भी मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूँ जिस तरह से आपने बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम को सफल बनाया है और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जितनी भी यहाँ हमारी डिबेट्स या पेंटिंग कंपटिशंस या इस तरह के लेक्चर्स स्टूडेंट्स ने बोला है आपने बहुत सारे प्लेज लिए हैं तो मैं ये आपसे एक आग्रह
ये आज जो है गांधी जयंती है और हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो है उनकी जो टीचिंग्स हैं उनको याद करते हुए और हमारे परमादरणीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी उनका भी जन्मदिन है उनकी भी टीचिंग्स को याद करते हुए एक हमने यहाँ प्रोग्राम रखा था ITI जम्मू में जो हमारा टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनके कोलेबोरेशन के साथ डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन सुदर्शन जी भी मेरे साथ हैं और यहाँ के माननीय कॉरपोरेटर संजीव पांडा जी भी हैं और सब ने मिल करके एक तो यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव जो है वो हमने लॉन्च किया है यहाँ पे कि आज के दिन को स्वच्छता के साथ ग्रीन जो है डे जो है उसको भी हमने शेप में मनाया है और सारे यहाँ के फैकल्टी यहाँ के स्टूडेंट्स हमारे अलग अलग सारे विभागों के लोग जो हैं वो आज सब यहाँ सम्मिलित हुए हैं और इसका मेन यही है कि एक तो ये जो पखवाड़ा चल रहा है उसका आज हमने यहाँ पे कल्मिनेशन किया है और इस दौरान जो है काफ़ी सारे प्रोग्राम सारे डिपार्टमेंट्स ने किए हुए हैं। मैं आपको अपने विभाग की तरफ से बता दूं कि सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट ने कल जो था उसमें 136 इवेंट्स किए जिसमें लगभग 10,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया उसी के कार्यक्रम को आगे चलाते हुए आज का ये हमारा एक प्रोग्राम है और प्लांटेशन ड्राइव इसके साथ हमने इसलिए रखा है कि हमारा ग्रीन जेके ड्राइव एक प्रोग्राम है जिसको हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी ने लॉन्च किया है और इस ड्राइव के तहत हम जम्मू कश्मीर में इस साल जो है 1,75,00,000 प्लांट्स जो हैं लगाने जा रहे हैं और इसमें सब स्टेक होल्डर जो हैं उनको हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, हमारी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, हमारी पंचायत्स हैं, सभी को साथ लेकर के ये प्रोग्राम हमारा चल रहा है और अभी मॉनसून का हमारी प्लांटेशन ख़त्म हो गई है लेकिन इसी को आगे लेते हुए जो विंटर प्लांटेशन है वो हमारी उसकी तैयारी चल रही है बट जो प्रोग्राम्स हमारे उसके साथ जो प्लांटेशन ड्राइव जो लिंक किया हुआ है वो कार्यक्रम चलता जा रहा है। इस समय जिस तरह से पखवाड़ा चल रहा है पर इसके बाद अगर बात करें कहीं ना कहीं स्वच्छ भारत अभियान के तहत के कार्यक्रम जो है बड़े कम देखने को मिलते हैं, क्या मैसेज रहेगा आपका? देखिए बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट जो है जब भी कोई प्रोग्राम करती है तो उसका एक मकसद होता है एक मैसेज देना, तो स्वच्छता जो है ये हम सब जितने भी भारतवासी हैं हमारे दिल में होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट का प्रोग्राम हमें एक जागरूकता देता है, अवेयरनेस देता है कि हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है। गवर्नमेंट ने तो अपना रोल किया, अब हम सबको मिलकर के अपना रोल शुरू करें।